टू माई अनदर न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आपका भाई आ चुका है अपना राज्य, अपना जिला कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा ही जिला में, मेरा ही राज्य में कोडरमा में एक पार्क खुला हुआ है। ठीक है, तो आज उसी के अंदर जाने वाला है आपका भाई, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे लगा दियो। ठीक है, तो वहाँ की रिलेटेड आपका भाई आज पूरा जानकारी देने वाला है आप लोग को। ठीक है, आप लोग बने रहना, अभी जस्ट मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, अगर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो ये शायद पुल को आप लोग जान रहे होंगे। तो चलो आप जा रहे हो वहीं पे, आप लोग देख सकते हो ये भी काफी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। मैं अभी अपना ये पुल पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं काफी सारे रील्स वगैरह बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से जस्ट बगल में मेरा घर है। तो चलो अब जाते हैं महर्षि कर्दम पार्क और आप लोगों को दिखाते हैं कब खुलता है, कब बंद होता है, वहाँ के रिलेटेड सारा जानकारी, टिकट प्राइस क्या है, कौन सा दिन बंद रहता है, सारा जानकारी आपका भाई देने वाला। वीडियो काफी अच्छा बनने वाला है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं भी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, ऐसे ऐसे काफी जगह आपका भाई घूम के वीडियो बना चुका है। तो चलो आप चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा सा आगे आया। चलो अब इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं। तो चलो पहले टिकट लेते हैं, हमारा टिकट काउंटर यहाँ पे है, हमारे गार्ड साहब जी, और यहाँ पे सारा जानकारी लिखा हुआ है, कौन सा दिन खुलता है, कौन सा दिन बंद रहता है, टाइमिंग क्या है, यहाँ के रिलेटेड बहुत सारा जानकारी लिखा हुआ है जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हम लोग कुछ टिकट लेते हैं, टिकट दीजिए। तो भाई यहाँ पे आप लोग को पार्किंग की भी सुविधा मिल जाती है, जैसे कि आपका भाई भी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर लिया। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करने का आपको अलग पैसे पे करना होता है। ठीक है, तो आपका भाई भी पे कर दिया। कितने ले रहे भैया, कितने बोले गाड़ी पार्क का? ₹10। ठीक है, पार्क कर दिया और इसके अंदर अब चलते दिखाते हैं। ये रहा हमारा टिकट जो कि देख सकते हैं, हम लोग 3 पर्सन आए हुए, और चलो अब इसके अंदर जाते दिखाते हैं कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और आप लोग को भी दिखाता हूँ। विजिट करना चाहिए, ठीक है, काफी अच्छा जगह है फन करने के लिए। तो भाई ये जो हमारे पीछे अभी आप लोग देख रहे हो, ये भगवान कदम कोई एक भगवान है, जो कि I mean मुझे इतना तो नहीं पता, पर यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कोई भगवान कदम करके कोई एक कोई कुछ होता हुआ, जैसे कि हमारे हिंदू भाई लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है कदम बाबा जी है, ये कहीं पे कोई नदी के जस्ट बगल में 10 साल प्रार्थना किए थे, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि हमारे हिंदू भाई लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा लग रहा है मुझे ये डमी देख के। तो आप लोग ये पढ़ सकते हो, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना ये डमी आप लोगों को कैसा लग रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया जूता चप्पल खोलकर ऊपर जाए, तो हमारे सरफराज भाई ऊपर जा रहे हैं प्रार्थना के लिए या फोटो के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमारे सरफराज भाई ऊपर गए हैं फोटो खींचने के लिए, थंबनेल के लिए। फूल ही कहाँ है? फूल है लगा हुआ बट यहाँ पे कुछ खिल नहीं रहा क्योंकि पानी का कमी हो रहा है भाई। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, फूल तोड़ना मना मगर फूल ही नहीं है। अरे हाँ यार, यहाँ तो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फूल तोड़ना मना है, फूल है कहाँ भाई जो तोड़ना मना है। आंटी जी कुछ सफाई कर रही है। वैसे तो भाई कुछ खास है नहीं, ओवरऑल जो भी था ठीक ही ठाक लगा। अगर आप लोग बच्चा हो या फिर स्टूडेंट हो तो छोटा मोटा पार्क है घूमने के लिए, काफी ठीक ही ठाक है। यहाँ पे कुछ देखो कितना मस्त गड्ढा किया हुआ है, बट यहाँ पे पानी नहीं है शायद, पता नहीं कुछ यहाँ पे मॉडिफाई करने वाले बनने वाले अभी, जस्ट इसके अंदर काम चल ही रहा है। देखो आसपास में यहाँ पे बैठने वाला काफी मस्त बनाया हुआ है, देखो इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, उधर बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे, देखो कितना मस्त इंजॉय कर रहे यहाँ। ये कुछ दिनों में झील बन जाएगा और जस्ट बगल से बैठ के लोग इंजॉय करेंगे, मस्त बना हुआ है। यहाँ पे बैठ के आप लोग मीटअप कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हैं, काफी अच्छा है भाई। अगर आप भी अगर छोटा मोटा मीटअप इवेंट्स वगैरह करना चाहते हैं तो ये जगह में आप लोग परफेक्ट है। ठीक है, ये जगह में आप लोग आके अपना इवेंट्स वगैरह करवा सकते हैं, छोटा मोटा मीटअप रख सकते हैं, काफी सही है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ एक कैंटीन भी बना हुआ है जो कि अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो कैंटीन के अंदर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इस कैंटीन में क्या क्या लाइक यहाँ पे खाना वगैरह क्या मिल रहा है। तो चलो मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैंटीन, तो चलो इसके अंदर जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। लाइक अगर आप लोग आते हो यहाँ पे तो कुछ खाने पीने का क्या क्या सुविधा है,
तो चलो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कैंटीन, इसके अंदर हम जा रहे हैं अभी। ठीक है चलो दिखाते हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, समोसा, डोमोज, पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, सारा कुछ मिल जाएगा लाइक आपको। ठीक है फास्ट फूड के रिलेटेड सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलो इसके अंदर अभी हम लोग जा रहे हैं और भैया से पूछते हैं, यहाँ पे जो ओनर है उससे पूछते हैं यहाँ का क्या। अच्छा अगर आप लोग भी यहाँ पे इसके अंदर आते हो तो आप लोग कुछ भी लेज वगैरह, डोमोज, पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, कुछ भी आप लोग यहाँ पे खा पी सकते हो। ठीक है बट उसका पैसा अलग से आपको चार्ज लगती है। ठीक है तो काफी अच्छा, आप लोग भी ट्राई करना अगर आओगे कभी तो। मोहब्बत गार्डन क्या बोल रहा हूँ, मोहब्बत गार्डन है। चलो बहुत जल्दी डेवलप भी दिखने को मिलेगा आपको यहाँ। ठीक है बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, काम वाम चल रहा है उधर, देख सकते हो। तो नया नया खुला है ना भाई, तो बहुत जल्दी आप लोग को अच्छा दिखने को मिलेगा। ठीक है ऐसा ऐसा आप लोग को अगर ब्लॉग देखना होगा तो हम काफी जगह में घूम चुके हैं। ठीक है यहाँ पे प्लेयर लिस्ट लगा दूंगा आई बटन में, ठीक है जाके देख सकते हो। फुल लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे पानी वगैरह नहीं दे रहे, शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ के प्रभारी की ओर से लग रहा है। लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है मैं देखता हूँ, सभी का रिप्ले भी दूंगा, सभी को मैं रिप्ले देता ही हूँ। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ही ठाक है। तो ऐसे पता है यहाँ पे बन ही रहा है भाई, अभी यहाँ पे जस्ट नया नया ओपन हुआ, लगता है 2-3 महीने ही हुआ है। ठीक है तो जस्ट कुछ काम चल रहा है यहाँ के लोग, इसको बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले। ठीक है देख रहे हैं जैसे कि उधर हम देखे अभी काम उधर चल रहा है, तो बहुत जल्दी आप लोग को ये पार्क डेवलप दिखने को मिलेगा। जहाँ तहाँ ना थूके तो सही बात है, आप लोग भी जहाँ तहाँ ना थूकना आना। तो देखो यहाँ पे शौचालय भी है, ठीक है आप लोग ये शौचालय का ध्यान रखना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे महर्षि कर्दम पार्क में शौचालय का भी सुविधा है। ठीक है आप लोग अगर आते हो तो इस चीज का आप लोग फायदा भी उठा सकते हो। तो भाई देखो मेरा पुराना जिगरी यार मिल गया है, गुलफान ब्रो कैसा है भाई? सब बढ़िया। हम लोग पता काफी दिनों के बाद मिल रहे, ठीक है जब हम लोग पढ़ाई करते थे साथ में ही वीडियोस वगैरह बनाया करते थे, काफी दिनों के बाद मिले। तो बताओ भाई अपने बारे में कुछ ही। पहुँच गया भाई यहाँ पे, भाई को भी सपोर्ट करो, भाई बहुत मेहनत करता है, बाजू ब्लॉग को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसे मेहनत करता बंदा है, ब्लॉग्स के लिए दिल्ली मुंबई हर एरिया घूम रहा है। आप लोग को सारा कुछ दिख जाएगा, अगर आप लोग और जगह का वीडियो देखना चाहते हो तो ये चैनल पे आप लोग जाके विजिट करो, देखो। ठीक है काफी जगह का वीडियो बना चुका है आपका भाई यहाँ के रिलेटेड में, आप लोग और देख सकते हो। तो ये बता गुलफान भाई यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और लाइफ में क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अच्छा ये बच्चा कितना एंजॉय कर रहा है। ठीक है अगर आप लोग भी अपने बच्चे वगैरह के लेके आ रहे हो तो यहाँ पे जितना भी कितने थे 50 रुपए। ठीक है अगर आप लोग भी इस चीज का एंजॉय करना चाहते हैं, थार चलाना चाहते हैं यहाँ पे तो 50 रुपए आप देखे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है देखो कितना मस्त मजाक कर रहा है ये बच्चा। देखो हमारा सरफराज भाई क्या बोल रहा है। हाँ भाई अब बोलो, 2 दिन में बॉडी बन जाएगा। ठीक है अगर आप लोग भी बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ जाना, 2 दिन में बॉडी बन जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादातर बच्चा के रिलेटेड ही बनाया गया। ठीक है अगर आप लोग भी बच्चा, आप लोग के पास भी बच्चा है या फिर आप एक बच्चा हो तो आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। बहुत मजा आया। हाँ तो अगर आप लोग भी इस पार्क में घूमने के लिए आना चाह रहे हो तो आप लोग भी आना। ठीक है ये भाई लोग भी जैसे कि आया घूम के, आप लोग सही लगा? बहुत मजा आ रहा है। हाँ ठीक है किस टाइप में वीडियो बनाते हैं? मोटो ब्लॉगर। सो गाइस फाइनली हम लोग इस पार्क का घूम लिए, काफी एंजॉय किए, काफी सारा रील्स वगैरह बनाए। अगर आप लोग वो रील्स देखना चाहते हो तो हमारे स्क्रीनशॉट दिख जाएगा इंस्टाग्राम का। ठीक है आप लोग जाके चेकआउट करना भाई, काफी मजा किया भाई, काफी सारा रील्स वगैरह आपका भाई बनाया है। और ये देख सकते हैं हमारे महर्षि जी, तो काफी अच्छा लगा ओवरऑल, काफी सही है। आप लोग भी अगर आसपास से होंगे तो आप लोग भी आना कभी घूमने के लिए। ठीक है हम लोग को काफी अच्छा लगा। सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। आई होप आज की इस व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है आपका भाई ऐसा ही व्लॉग आप लोग के लिए लाते रहता है। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।